पे लेके आऊँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप ये प्लांट लगाएं तो बीच बीच में ऐसे हमें पिंच ज़रूर करना है इसको, ताकि ये बुशी बने। और जब भी हम इस तरीके से इसके कटिंग्स लेते हैं तो इनको फेंकना नहीं है। इन कटिंग्स से ही हम इसके कई सारे प्लांट्स नए बना सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है लगाते ही। एक हफ्ते में ही इसकी जड़ें निकल जाती हैं। ये मैंने बहुत सारी कटिंग्स ले ली हैं और आप चाहें तो इसे इंडोर भी रख सकते हैं। इस तरीके से पानी में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। बस सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हफ्ते भर में इसका पानी ज़रूर चेंज करना है आपको। इंडोर आउटडोर दोनों चलने वाला प्लांट है ये। बस हफ्ते भर में आप इसको धूप ज़रूर दिखानी है एक बार, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसके पॉटिंग सॉइल की। दो तरीके से मैं इसके पॉटिंग सॉइल तैयार करूंगी जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए खास है, बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कुछ कटिंग्स जो मैंने पिंच करा था, मैंने वो कटिंग्स मैंने ले ली है। और अगर आप इसे नॉर्मल सिंपल पॉट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 80% मैंने सैंड लिया है, 20% मैंने इसमें खाद मिलाई है, गोबर की और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करी है। हाफ टी स्पून मैंने फंजीसाइड जरूर डाला है। और इस तरीके से बहुत पास पास बहुत ही घने हम इसके कटिंग्स लगा लेंगे, ताकि जो प्लांटर हमारा है ये पूरा भर जाए अच्छे से। और बहुत भरा हुआ प्लांट ही अच्छा लगता है। एक या दो सिंगल में दिखता नहीं है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ही स्मूथ इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार हुई है जो मैंने पानी से पहले ही भिगो ली थी। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ज़रूर पानी स्प्रे कर देंगे ताकि इसके एयर पॉकेट्स अच्छे से भर जाए। ये मेरा प्लांटर तैयार हो गया है। और दूसरा तरीका है, अगर आप इसे हैंगिंग पॉट पे लगा रहे हैं तो हैंगिंग बास्केट के लिए हमें जो पॉटिंग सॉइल है वो हमें लाइट रखनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक प्लांटर लिया है, इसमें कपड़ा बिछा दूंगी मैं ताकि हमारी जो मिट्टी या खाद है वो बाहर ना बहे। और इसमें मैंने 70% बांज के पत्तों की खाद मिलाई हुई है और 30% मैंने इसमें, 15% मैंने गार्डन सॉइल ली है, 15% मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है और थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड डाला है। थोड़ा पहले मिट्टी को हम गीला जरूर कर लेंगे। और जब भी आप हैंगिंग बास्केट तैयार करें तो 70% आप कोकोपीट ले लें और 30% आप वर्मी कंपोस्ट डालें। कोकोपीट की जगह आप पत्तियों की खाद ले सकते हैं 70%, 30% उसमें गार्डन सॉइल भी मिक्स कर सकते हैं। और ये कटिंग्स ली थी ये सब हम इसमें लगा लेंगे। बहुत पास पास हमें इनको लगाना है ताकि हमारी बास्केट जब भरे तो पूरे अच्छे से भर जाए, जो कि नीचे को ट्रेल करती है, बहुत सुंदर लगती है। बस इस प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें इसके पॉटिंग सॉइल का खास ध्यान रखना है, बस ये इसकी मेन है, बाकी बहुत इजी है इसको ग्रो करना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऊपर से हम पानी जरूर डालेंगे इसमें ताकि इसके एयर पॉकेट्स भर जाएं। ये देखिए मेरा नया प्लांटर रेडी है, आपको
कुछ टाइम बाद जब ये अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं इसको हैंग कर दूंगी। और इसे शेड में ही रखना है, मैं तब तक धूप में नहीं रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसको खाद देने की, जो इसका दूसरा सबसे ज़रूरी बात है। दूसरी, मैं इसे होममेड फर्टिलाइज़र तो देती ही हूँ, महीने में एक बार मैं इसको अच्छे से इसकी जड़ में भी देती हूँ और इसको स्प्रे भी करती हूँ उससे, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और 3 महीने में एक बार मैं इसे ज़रूर बोन मील देती हूँ। बोन मील इसको बहुत पसंद होती है और इसके अच्छे ग्रोथ के लिए इसको घना और इसके जो बनानास हैं उसको हमें थोड़ा हेल्दी रखने के लिए इसमें बहुत ज़रूरी होता है इसको डालना। 3 महीने में मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून इसे ज़रूर देती हूँ ये खाद, जो इसके अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप खाद डालें तो ऊपर से थोड़ा पानी स्प्रे जरूर कर दें और बहुत ज़्यादा पानी की इसको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसका पॉटिंग सोइल अच्छे से सूख जाए तो तभी इसे इसमें नेक्स्ट टाइम आप पानी डालें या स्प्रे भी ज़रूर कर दें इसको पानी से बीच बीच में। तो इसी तरीके से बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप खुद भी तैयार कर सकते हैं घर पर। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कैसे तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के बहुत आसानी से हम बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने गार्डन को हरा भरा हेल्दी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।